हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज मैं फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कढ़ी बना रही हूँ। तो ये मेरी कढ़ी बनके तैयार है, समझ लीजिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो मैं फ्राई करके पकौड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ फॉलो कि जिससे अभी मैं थोड़ा सा अपना वज़न कम कर सकूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ। मैं अपने आप को मोटी नहीं बोलूंगी, हेल्दी ही बोलूंगी। तो इसलिए ये मैं क्या कहते हैं, मैंने ये तवे पे जो हल्का सा ऑयल लगाकर इसको पकौड़ियाँ मैंने ये सेकी हैं बेसन की। और ये देखिए थोड़ी सी और पकौड़ियाँ जो मैंने बना के रखी। और ये देखिए मैंने पूरा खाना परस के रख दिया है हस्बैंड जी के लिए, और वो इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं शुरू हो गई हूँ मलाई निकालने के लिए, मलाई नहीं सॉरी घी। तो ये जो मेरे मलाई रखी थी फ्रिज में, वो सारी मलाइयाँ मैंने निकाल ली हैं फ्रिज से और एक बड़े भगोने में डाल दिया है सारी मलाइयों को, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी कटोरियों में करके मैंने काफ़ी मलाइयाँ इकट्ठी कर ली थी। और एक बड़ा मेरा जो मिठाई का बॉक्स होता है, देखिए ये है, तो इसमें भी मैं मलाई जोड़ के रखती हूँ। तो ये भी काफ़ी मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, काफ़ी दिनों की मलाई हो गई थी ये, 10 से 12 दिन की करीब की। और अब मैं इसको देखिए भगोने में निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूँगी कि जिससे कि अच्छे से मक्खन निकाल पाऊँ। और ये है मेरा ब्लेंडर जो फिलिप्स की कंपनी का है, ब्रांडेड है। और ये भी मुझे मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो अब मैं इससे मक्खन निकालने के लिए जा रही हूँ। अब मैं इसमें जो मैंने पानी डाल दिया है, तो पानी डालने के बाद में अब मैं जब इसको ब्लेंड करूँगी मलाई को, तो अच्छे से आसानी से मलाई से मक्खन निकल आएगा। तो अब ये देखिए मैं इस तरह से धीरे धीरे ब्लेंड करती रहूँगी। बहुत ही जल्दी ब्लेंडर से निकल आता है मलाई से मक्खन। और इस तरह से देखिए आराम से मैं बस थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे मक्खन निकालने के लिए ब्लेंडर को चलाती रहूँगी। और ये देखिए अब थोड़ा सा निकलने लग गया मक्खन। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपको पानी कम लगे तो बीच में आप और मिला भी सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी मिलाया था। और अब ये देखिए आप किस तरह से मक्खन निकलता जा रहा है। वैसे तो मैं हमेशा मक्खन निकाल के मक्खन से घी नहीं बनाती हूँ, हमेशा मलाई ही मैं डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो अब कि आज मेरा मन किया कि लोग कहते हैं कि मक्खन से काफ़ी घी निकलता है, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं कि मक्खन से घी निकालते हैं। तो देखिए मक्खन निकल गया है। अब मैं हाथ से इस तरह से इसमें जो भी पानी है वो निकाल दूंगी, साइड में मतलब इसी में भगोने में निकाल के निचोड़ के किनारे कर दूंगी। और जो कढ़ाई में मक्खन है वो सारा मक्खन मैं कढ़ाई में कर दूंगी। तो इस तरह से मुट्ठी में ले लेके जो भी पानी है वो नीचे गिर जाएगा और भी मक्खन जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इसको मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ सभी मक्खन को। तो ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है। अगर आप इसको रोटी वगैरह में लगा के खाएं तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में, बचपन में तो हमने खूब खाया है। और ये देखिए ये बचा हुआ पानी नीचे का, आप इसको चाहें तो इससे कढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं, पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला है। और यहाँ पर अब मैंने एक तरफ गैस चढ़ा दी है जला कर, उस पर ये अपना जो कढ़ाई है मलाई या मक्खन का वो मैंने रख दिया है। अब ये देखिए इसमें धीरे धीरे पिघलते पिघलते वो थोड़ा सा लाल होता जाएगा मक्खन, और उसमें से घी निकल जाएगा। ये देखिए घी निकल रहा है और अच्छे से काफ़ी बढ़िया घी, देखिए ये निकल आया। नीचे की ओर जो इसका थोड़ा मोटा जो होता है वो बैठ जाएगा और मक्खन खूब बढ़िया पका हुआ बढ़िया सा लाल बढ़िया पीला पीला, देखिए केसरी रंग नहीं होता है उस तरीके का घी निकल आया है। और इसको अब हम इंजॉय करेंगे। अपना कोई भी रेसिपी बनाइए, कुछ भी करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।